हमारी पृथ्वी का एक्सोस्फेयर अपने आसपास के अंतरिक्ष से इतना गर्म क्यों है? पृथ्वी का वातावरण कई परतों से बना है जिनके तापमान अलग अलग हैं। मौसमी घटनाएं सबसे निचले हिस्से ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी तापमान उतना ही गिरेगा। ये -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके ऊपर स्ट्राटोस्फेयर का वो हिस्सा है जो सूरज की यूवी किरणें सोखता है, इसीलिए इस परत में तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेसोस्फेयर अंतरिक्ष के धूल कणों को रोकता है। इसका बाहरी विस्तार वहां है जहां धरती का कुदरती तौर पर सबसे ठंडा तापमान पाया जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस। जबकि थर्मोस्फेयर में जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बसा है वहां तापमान 1500 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके ऊपर एक्सोस्फेयर है, बाहरी अंतरिक्ष से सबसे नजदीकी परत। वहां भी तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 1972 में चांद पर गए अमेरिकी अपोलो अभियान के अंतरिक्ष यात्रियों ने यूवी रोशनी में दिख रहे धरती के वातावरण की तस्वीर खींची। इन तस्वीरों में एक्सोस्फेयर चमकीले आवरण सा दिखता है। 50 साल बाद सूर्य की खोजबीन कर रहा सोहो स्पेस मिशन ये साबित कर पाया कि धरती के वातावरण की सबसे बाहरी परत का अंतरिक्ष में विस्तार उससे कहीं ज्यादा है जितना हम पहले समझते थे। इसका अंतरिक्ष में विस्तार पृथ्वी के व्यास की लंबाई से 50 गुना ज्यादा है, यहां तक कि चांद से भी काफी आगे तक। लेकिन एक्सोस्फेयर का तापमान 1000 डिग्री कैसे पहुंच जाता है जबकि इसके ठीक बगल में अंतरिक्ष का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है? ऐसा इसलिए कि तापमान इसके भीतर मौजूद कणों की गति के अनुरूप होता है। वो जितने धीमे घूमेंगे तापमान उतना कम होगा। जब कण तेजी से गति करते हैं तो तापमान बढ़ता है। एक्सोस्फेयर ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है जो सबसे हल्का पार्टिकल है, जबकि वातावरण में नीचे की परतों में सारे भारी अणु और कण होते हैं। उनकी रफ्तार एक्सोस्फेयर में मौजूद छोटे हाइड्रोजन पार्टिकल्स की तुलना में काफी धीमी होती है। उनकी गति इतनी तेज है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक से बच जाते हैं, लेकिन सामान्य थर्मोमीटर एक्सोस्फेयर के 1000 डिग्री का तापमान नहीं माप सकता। गैस का घनत्व तो इतना कम है कि ऊष्मा संचार को मापा नहीं जा सकता। चांद पर अंतरिक्ष के प्रति 5 घन सेंटीमीटर पर बस एक हाइड्रोजन अणु है, यानी ना के बराबर।